इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में एक नया तरीका ईजाद किया गया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के बुज़ुर्गों के शान में गुस्ताखी किए जाए, और इसी के तहत जो है टीआरपी बटोरने की घटिया एक तरह का एक ट्रेंड इस मुल्क में शुरू हुआ है। लिहाजा अमीश देवगन जो हमेशा एक मुस्लिम मुखालिफ एक समाज को निशाना बनाने की कोशिश बार बार करता रहता है, कल इसने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर नाकाबिले बर्दाश्त अल्फाजों को इस्तेमाल किया। लिहाजा इसको लेकर पूरे मुल्क में बड़ा गुस्सा देखा जा रहा है, और इसी के तहत पूरे मुल्क भर में FIR दर्ज किए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसी के मद्देनज़र बेलगाम शहर में भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से DC से मुतालबा किया जा रहा है कि इस अमीश देवगन को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जितने भी तंजीमें और जितने भी सोसाइटीज़ और ट्रस्ट शहर बेलगाम में अपने अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आज उन सब की तरफ से DC सर को एक मेमोरेंडम देने के लिए यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं। आज सारा भारत, सारा हिंदुस्तान, सारा इंडिया इस गम में है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल मोइन अल मिल्लति वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में अमित देवगन ने, जो न्यूज़ 18 का एंकर है, बड़ी ही गुस्ताखी की है। इस गुस्ताखी से मुल्क हिंदुस्तान के न सिर्फ मुसलमानों के दिल आज ज़ख्मी हुए हैं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की मोहब्बत का दम भरने वाले तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के दिल गमगीन हुए हैं। उसने बड़ी ही फाहिशाना अंदाज में ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में बेअदबी और गुस्ताखी की है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा चाहते हैं कि उसे फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए, उस पर केस दर्ज किया जाए, कानूनी कार्रवाई हो। और न सिर्फ ये, बल्कि वो जिन जिन लोगों के इशारों पर और जिन जिन बड़े लोगों के इशारों पे काम कर रहा है, मीडिया में सब लोग जानते हैं कि अमित देवगन एक ऐसा फहाश शख्स है जो बड़े बड़े सियासतदानों के साथ रंग रलियाँ मनाते हुए दिखता है, तो उन सियासतदानों का शायद उसको सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से यह ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम मुतालबा करते हैं कि कानून सबके लिए है, फैसला सबके लिए एक होना चाहिए, और उस गुस्ताख को गुस्ताखी की सज़ा मिलना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी सियासी लीडर हो, अपनी कामयाबी के बाद सबसे पहले अगर चाहता है तो वह गरीब नवाज़ के दर की हाज़िरी चाहता है। आज गरीब नवाज़ के चाहने वाले, गरीब नवाज़ के शहर के अजमेर शरीफ के खुदामान और सारे हिंदुस्तान के गरीब नवाज़ के। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ 18 के एक एंकर ने हुजूर गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी की है। गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी करके उसने ये सोचा कि मुसलमानों के दिल को ज़ख्म पहुंचाया जाए। ये वो हिंदुस्तान के मशहूर सूफ़ी संत हैं जिनको सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान के गैर मज़हब के लोग भी मानते और जानते हैं। उसने इस तरह की बेबाकाना जो गुस्ताखी की है, हम हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को फौरन इनके खिलाफ़ FIR दर्ज हो और फौरन जो है इनको जेल में डाला जाए। आज बड़े अफसोस का दिन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले पूरे हिंदू और मुसलमान के लिए आज बहुत बड़ा अफसोस का दिन है, क्योंकि चैनल 18 न्यूज़ वाला जो है अमित शाह देवगन, ये नालायक आदमी है, और इन्हें जो है हमारे अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है उन्हें गलत गलत अल्फाज किया है। इसके लिए जो है हम इस चैनल के माध्यम से और DC साहब के ज़रिए से हम ये हमारे गुस्से को जाहिर कर रहे हैं। उसको जल्दी से जल्दी, उस कमीने को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें और उसको जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेज दें। और ये हमें जो लग रहा है, ये भगवा आतंकी है, ये RSS का चमचा है ये। इसके लिए जो है हम जो है वैसे लोगों को एंकर से निकालना और उनका चैनल बंद करना, ये हमारी सेंट्रल के जो गवर्नमेंट है, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब की, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे एंकरों को इनका चैनल बंद कराएं। अस्सलाम वालेकुम।
आज हम लोग यहाँ टीपू सुल्तान अभिमानीगढ़ महाविद्य के टीपू सुल्तान संघर्ष समिति और टीपू सेना के ओर से इज्तमाही तौर पे डीसी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया है, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर आमिश देवगन ने ख्वाजा किसान में गुस्ताखी की है, तो इसके हम सख्त ही सख्त मुखालिफत करते हैं। और इससे पहले हमारे भाई लोग जो इजहार पेश किए हैं, तो बस हम यही चाहते हैं कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके आशिका ने ख्वाजा को एक इंसाफ दिलाए, एक हक दिलाए। आजकल हिंदुस्तान में जो 6 साल से माहौल चलते आ रहा है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती बहुत हो रही है, इसके लिए हम आज यहाँ पे बहुत नाराज़गी पेश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूज़ 18 के एडिटर आमिश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ताल्लुक से गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, और आए दिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह के मुसलमानों के ताल्लुक से गुस्ताखाना अल्फाज और नफ़रत वाले अल्फाज इस तरह के लोग जो मीडिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और नफ़रत के सौदागरों के तंजीमों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, ये मुसलमानों के ताल्लुक से गलत अल्फाज इस्तेमाल आए दिन बहुत ही कसरत से करते आ रहे हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा और सुना होगा कि किसी मुसलमान ने कभी, चाहे वो किसी भी देश से ताल्लुक़ रखता हो, कभी इस तरह से किसी दूसरे मज़हब के ताल्लुक से या दूसरे मज़हब के धर्म गुरुओं के ताल्लुक से कभी गुस्ताखाना अल्फाज कहे होंगे। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जो नफ़रत आमूज बात करने वाले हैं, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद जमादार। दिन ब दिन जो है हमारे महापुरुषों की जो इज्जत को उछाला जा रहा है और खेला जा रहा है, इससे हमें बड़ा अफसोस होता है। इससे पहले जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हम खामोश रहे। अब जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए हम जो है यहाँ डीसी साहब को मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। और इससे पहले भी जो है मार्केट पुलिस स्टेशन के पास अंदर गए थे, तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में भी गुस्ताखी की थी। नम बेलगावी चैनल, ये आदमी जो है नम बेलगावी चैनल, अब तक अरेस्ट नहीं हुआ। तो हम जो और हमारे जो बड़े उलमा है, जो हमारे बड़े लीडर है, जो हमारे कौम के रहनुमा है, अब तक लीगल कदम उठाते जा रहे हैं। और ऐसे कोई भी बात आती है तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, डीसी पास जाते हैं, कमिश्नर साहब पास जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर कर लीगल कदम उठाते हैं, हमें इससे अच्छा जवाब देना भी आता है, मगर हमारे भारत देश में अमन चाहते हैं और चैन चाहते हैं, क्योंकि हमें जो है भारत देश का नाम जो है रोशन करना है और बेलगाम शहर का भी नाम रोशन करना है। ये दिन ब दिन जो है शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आमिश देवगन जो है न्यूज़ 18 का जो एंकर है, हम चाहे तो इसके घर घुस कर मार सकते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर जो है गलत गलत कमेंट मार रहे हैं, तो हम चाहेंगे तो उनको जहाँ मिले वहाँ मार सकते हैं, मगर ऐसा कदम हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है और सरकार पर भरोसा है। और इसके पहला भी जो हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो कमेंट किया था हम लोग ने, नम बेलगावी चैनल ने न्यूज़, तो उसके खिलाफ़ हमने FIR दर्ज किया है, अभी तक जो है उसे अरेस्ट नहीं किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट जो है एक तरफा जो है फैसला कर रही है। हमारी जो अवाम जो है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो शान में गुस्ताखी की है टीवी एंकर ने, आमिश देवगन ने, उससे बहुत गुस्सा है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसे अरेस्ट करें और जेल का रास्ता दिखाए। जैसे पहले भी भाई ने बोला कि हम लोग पहले भी मार्केट पुलिस स्टेशन गए थे लास्ट फ्राइडे को, टीपू सुल्तान के लिए जो कमेंट्स किए थे गंदे गंदे, नम बेलगावी पेज सोशल मीडिया पे, उस पर एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि हमें एक्नॉलेजमेंट दिया गया, FIR नहीं हुआ है अभी तक, और ना कि लीगल एक्शन हुआ है उसके ऊपर, वो फिर भी कमेंट्स कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज जो ये आमिश देवगन जो बताए हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में, तो उसके लिए एक्शन लेना ही ज़रूरी है, क्योंकि हर बार हम लोग आ रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, पब्लिक में आ रहे हैं, और
अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग जाना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट हमको नहीं एक सपोर्ट कर रही है। जैसे कि बोले वो एक तरफा ही इंसाफ हो रहा है, हम चाहते हैं कि एक्शन लिया जाए और जो इंडिया में जो अमन और शांति है वो कायम रहे। अगर वो जो दो रुपये के कमेंट्स के लिए जो फेसबुक पर वगैरह जो कमेंट्स कर रहे हैं जस्ट दो रुपये के लिए, तो ऐसे लोगों को उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और उनका जो नम्मा बेलगावी पेज है या दूसरे जो भी है वो सभी बैन करना चाहिए। और जैसे कि आज सेकंड टाइम है और अभी जो हम लोग बोल रहे हैं अमित देवगन के लिए वो बिहाइंड बार्स होना ही चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बात की है, बहुत गंदी बात की है। जो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़, जो मुस्लिम्स नहीं बल्कि हिंदू भी जो है उनकी सबसे पहले चादर चढ़ी जाती है, तो वो लोगों के ऊपर भी ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ऐसे कैसे बात कर सकते हैं वो, तो उसके लिए एक्शन इमीडिएट होना ही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम मोमेंटम यहाँ पर दे जो टीपू सुल्तान सेना है, टीपू सुल्तान संघर्ष समिति महावी के सब, हमें यही कर रहे हैं कि जो अमित देवगन जो घटिया काम किया है, जो हरामीपन किया है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और हिंदू मुस्लिम एकता को बचा कर रखें। और देश की तरक्की को जो रुकावटें डाल रही हैं, जो चीन पाकिस्तान जितने भी छोटे मोटे मुल्क हैं, उनको अभी सब मिलकर हमें खड़ा होना है देश के साथ। अमित देवगन को सख्त से सख्त कार्रवाई करना, इस देश में पूरी दुनिया को साबित करना है कि हिंदुस्तान डेमोक्रेसी कंट्री है।